हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप जो देख रहे हो ये सेल्फी ले रहा है, ये मेरा बेटू है और ये बॉम्बे में रहते हैं। तो इस बार की दीपावली मेरी काफ़ी अच्छी रही और ये मैंने रंगोली सजाई थी, क्योंकि जब बच्चे ही नहीं होते तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये मैं कलर जो है पानी में नहीं कैंडल लगती हैं वो भी मैंने सजाई। इस बार बहुत उत्साहित थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बच्चे जब घर में होते हैं तो अच्छा ही लगता है। और दो बार से इनको छुट्टी नहीं मिल रही थी तो नहीं आ पा रहे थे, तो इस बार आए हैं और आप देख सकते हो कितनी सेल्फी ले रही। बच्चे को भी अपने घर पे बहुत अच्छा लगा। और ये इसने फिर लाइटिंग लगाई थी और ये आ गए थे 23 तारीख को और सारा हेल्प किया काम में भी और डेकोरेशन में भी, तो बहुत अच्छा लगा इस बार की। और ये मेरा एक ही बेटा है, ये बॉम्बे में रहता है, जॉब करते हैं। और ये मेरा घर का अंदर का है और यहाँ पर भी ये सब लाइटिंग तो खैर इलेक्ट्रिशियन ने लगाई थी, लेकिन इसने काफ़ी उत्साह से सब मामा ये कर दे वो कर दे, फिर शॉपिंग भी की, कपड़े भी लाए, तो काफ़ी अच्छा लगा। नहीं तो मियाँ बीबी अपना बैठ के दीपावली मनाते थे तो अच्छा कम लगता था। तो आप देख सकते हो ये भी कितना खुश है घर पर आके, और कह भी रहा था कि हर बार मम्मी मेरी भी ऐसी दिवाली रहती है कि बस दोस्तों के साथ, या जो कुछ बच्चे चले भी जाते हैं, कुछ रह जाते हैं जॉब के कारण, छुट्टियां नहीं मिलती हैं। तो ये जो मैंने पानी में डाला था ना, वो ये देखो कैंडल है और ये मेरे घर का अंदर का। और यहाँ ये बैकग्राउंड तो आपने कई बार देखा होगा मेरे, तो ये कॉर्नर है यहाँ पर, मतलब यही जो मेरा ड्राइंग रूम है। और ये मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा खुश थे, वही बच्चा आया है घर पर और हाय कह रहे हैं, आप लोग को हेलो कर रहे हैं। और ये मेरा किचन, ये बाहर का। और ये फिर जब पूजा हो गई थी, पूजा हम लोगों ने सबने मिल के करी। और ये मेरे लड्डू गोपाल जी, ये जो है गणेश लक्ष्मी। और ये मेरा छोटू सा मंदिर, लेकिन यहाँ बहुत मेरे को अच्छा लगता है। कई बार मैं कहती हूँ कि मंदिर में मुझको बैठ के बहुत शांति लगती है, अच्छा लगता है, छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा लगता है। और ये भी डेकोरेट किया था, लाइटिंग लगाई थी। खैर यहाँ तो परमानेंट लाइट मेरी लगी रहती है हमेशा, ये मैं यहाँ लगी रहती है, कभी जब पूजा करती हूँ तो जला लेती हूँ। और ये फिर सेल्फी ली, ये पापा और खुद, और ये मैं और बेटू। और बेटू मेरा नाम, बेटू का नाम अपूर्व है। और फिर ऊपर गए हम लोग, फिर देखो इसने ना ऊपर भी जा कर के खूब कैंडल और दिए लगाए ऊपर जा कर के। तो इस बार मैंने नहीं लगाया, मैंने कहा चलो अब हम आज इस बार आराम करते हैं, तुम दोनों लगाओ। तो ये देख सकते हो ये खुद लगा रहा है, बोला हाँ माँ आज मैं लगाऊंगा। तो हमने कहा ठीक है तुम ही लगाओ। तो खूब दिए वगैरह लगाए हैं पूरी बाउंड्री पे, और इधर हस्बैंड भी लगा रहे हैं कैंडल और दिए मिल कर के, दिए लगते हैं ना काफ़ी सारे मिट्टी के, तो वो सब लगाए। और फिर उसके बाद जो है ये देखो लगा रहे ऊपर छत की है मेरे। और उसके बाद फिर जो है थोड़े बहुत ही पटाखे इन्होंने लगाए, बोले कि नहीं पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए, तो काफ़ी समझदार हैं। और तो लेकिन शगुन के लिए थोड़े से इन्होंने पटाखे छुड़ाए। और बस फिर हम लोग आ गए थे नीचे, और भाई दूज के बाद इनको जाना था। और भाई दूज पे भी जो मैंने मेकअप किया था उसका भी मेकअप का वीडियो मैंने डाला हुआ है सीमा जेटली चैनल पर। काफ़ी सारे गेस्ट आए थे, ये हम लोग भी गए थे क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ही आते हैं, 3-4 महीने पहले तो आता नहीं है। तो फिर सब गेस्टों के घर हम इसको लेके गए और हमारे घर पे भी गेस्ट आए, फिर इनके जाने का टाइम हो गया। आप ये देखो एयरपोर्ट पे हम लोग छोड़ने गए हैं, कितनी मैं थोड़ी उदास हो गई, अच्छा नहीं लग रहा खुद को, उसको भी नहीं अच्छा लगा। और फिर ये देखो कह रहा मेरी वीडियो नहीं बनाना माँ, हंस रहा है, चले गए। अब देखिए कब आते हैं, तो बहुत उदास सा तो लगता है। तो लेकिन इस बार दीपावली मेरी काफ़ी अच्छी रही, तो सोचा आप लोग के साथ भी छोटा सा ब्लॉग शेयर कर दूं। और वीडियो अच्छा लगे मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा, और अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। बाय।